अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर ज़मीर ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से। दोस्तों इस क्लास में बात करेंगे कि जब आप SEO कर रहे होते हैं अपनी साइट की, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जब आप वेबसाइट बनाने का इरादा करते हैं तो डोमेन नेम होना चाहिए, और डोमेन नेम में आपका फोकस कीवर्ड जो है वो उसमें होना चाहिए जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ये कि होस्टिंग कंपनी भी आप टारगेट करें कि वो भी अच्छी होनी चाहिए। आज जो हम बात करेंगे वो है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट, ठीक है। वेबसाइट लेआउट आपका SEO फ्रेंडली होना चाहिए। SEO फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपका जो लेआउट है वेबसाइट का बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ में अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई विज़िटर आपकी साइट पर आए, कोई यूज़र आपकी साइट पर आता है, उसको कंटेंट ढूंढने में कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम, अब ये देखें, ये इस साइट को देखें, ये मेरी अपनी है। अब यहाँ पर बिल्कुल ऊपर टॉप मेन्यू है, अबाउट अस में भी जा सकता है ईज़िली, उसके सामने हैं। दूसरे ये मेन मेन्यू, यहीं कहीं से भी अगर जाना चाहिए ईज़िली यहाँ से जा सकता है। अब उसके सामने और भी पोस्ट हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकता है अगर उसको नहीं मिल रही। अब यहाँ जो मैंने रिसेंट पोस्ट की वो भी उसको नज़र आ रही होंगी, और नीचे टैग की मदद से भी पोस्टों को ये ढूंढ सकता है, और डायरेक्ट यहीं से वो शेयर भी कर सकता है। तो ये इजी है, कंटेंट को ढूंढने में बहुत इजी है ये। अब दूसरा, अगर वो मुझे कहीं पर सब्सक्राइब करना चाहता है, फॉलो करना चाहता है सोशल पर, तो मुझे इजीली वो कर सकता है। दूसरी बात यह कि बैड लेआउट कौन से होते हैं। बैड लेआउट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ नेट पर ऑनलाइन के SEO बैड लेआउट, बैड वेबसाइट लेआउट। अभी आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि जो लेआउट है, लेआउट वो बिल्कुल इजी होना चाहिए, उसमें कंटेंट ढूंढने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब ये कंटेंट देखें, इसमें जो कलरिंग की मैचिंग है वो भी काफ़ी अजीब और गरीब किस्म की है, बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। जिस तरह, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अब है ये w3school.com, आप सबको पता है कि वेब डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइट है। अब ये जो साइट है इसको आप देखें, इतनी इजी है और फास्ट भी है। फास्ट इसलिए है कि इसमें जो वो है कंटेंट है वो भी अच्छा कंटेंट है, और दूसरा बात यह है कि इसके जो वो है सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा। देखें ना, ईज़िली बंदा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखें, मेन्यू है, साइड बार है, और यहाँ से डायरेक्ट कहीं पर जाना चाहिए ट्यूटोरियल पर, तो हर किस्म के ट्यूटोरियल इसको मिल सकते हैं। तो ये देखें, ये बैड लेआउट है। अब इसमें कलरिंग की मैचिंग देखें, कंटेंट ये समझ नहीं आती कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये बैड लेआउट है। ये देखें ना, इस किस्म के लेआउट नहीं होने चाहिए। ईज़िली लेआउट आप अपनी साइट का मुंतखब करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि SEO फ्रेंडली थीम्स फॉर ब्लॉगर। अब यहाँ पर देखें ना, SEO फ्रेंडली थीम्स आ गई हैं। अब ये थीम जो है ये बिल्कुल ईजी हैं, यही जो है ना, यही थीम SEO रेडी थीम इन्हें कहते हैं, SEO फ्रेंडली थीम है। अब यहाँ पर देखें ना, बिल्कुल सिंपलिसिटी है इसमें, किसी किस्म के इसमें वो नहीं है। अब ये थीम आप अपलोड कर सकते हैं मेरी साइट पर, अच्छी है ये वाली। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ आ गई है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरे ऑन पेज के जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं।